देश भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है। महाराष्ट्र इस लहर से सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। फिल्म इंडस्ट्री में भी वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में बॉलीवुड कलाकार लगातार कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। अब हाल ही में बॉलीवुड इंडस्ट्री से खबर आई है कि एक्टर कुमुद मिश्रा भी कोरोना की चपेट में आ गए। तबीयत बिगड़ने के चलते उन्हें मध्य प्रदेश स्थित रीवा के विंध्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुमुद मिश्रा का इलाज पिछले 3 दिन से अस्पताल में चल रहा है। उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब कुमुद की हालत पहले से बेहतर है और उन्हें ऑक्सीजन दी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले कुमुद की मां को कोरोना हुआ था, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। इसी दौरान कुमुद मिश्रा भी कोरोना से संक्रमित हो गए। बता दें कि कुमुद मिश्रा बॉलीवुड के कई फिल्मों में सपोर्टिंग किरदारों में नजर आए हैं। उन्होंने सलमान खान, अक्षय कुमार, तापसी पन्नू सहित कई बॉलीवुड के स्टार्स के साथ काम किया है। उनकी फिल्मों की लिस्ट में रांझना, एयरलिफ्ट, सुल्तान, रुस्तम, जॉली LLB 2, थप्पड़, राम सिंह चार्ली समेत दर्जन फिल्म के नाम शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत स्टारर फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में भी अहम भूमिका निभाई थी। अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके कुमुद मिश्रा आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उनकी एक्टिंग को लोगों ने काफी पसंद किया है। आखिरी बार कुमुद फिल्म थप्पड़ में नजर आए थे। इस फिल्म में कुमुद ने तापसी पन्नू के पिता का रोल निभाया था। अपने किरदार के साथ कुमुद की ईमानदारी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। उनकी आने वाली फिल्मों में मिशन मजनू और सूर्यवंशी है। बता दें कि फिल्म इंडस्ट्री से अब तक अक्षय कुमार, गोविंदा, आमिर खान, फातिमा सना शेख, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, तारा सुतारिया, संजय लीला भंसाली समेत कई स्टार्स कोरोना की चपेट में आ चुके हैं।